हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका समर्पण एक पहल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, COVID-19 महामारी के कारण यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन 16 मार्च को स्टार्ट हुआ था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण यह मूल्यांकन 18 मार्च को ही बंद कर दिया गया। परीक्षा मूल्यांकन में एक महीने की विलंब के कारण यूपी बोर्ड की परीक्षा कार्यक्रम के परिणाम में भी एक महीना का विलंब हुआ। फिलहाल यह एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम रिजल्ट है, जिनके इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई और इनका रिजल्ट दोपहर 12:30 बजे जारी किया जा रहा है। जानते होंगे कि COVID-19 महामारी और बाधित हुए शैक्षणिक कार्यों के कारण इस बार यूपी बोर्ड की मार्कशीट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी की जाएगी। ज्ञात हो कि इस बार कक्षा 10 की परीक्षा में 30,22,607 विद्यार्थियों ने और कक्षा 12 की परीक्षा में 25,84,511 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रकार यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुल 56,07,118 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने रिजल्ट को आसानी से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। जानते होंगे कि COVID-19 महामारी और बाधित हुए शैक्षणिक कार्यों के कारण इस बार यूपी बोर्ड की मार्कशीट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन जारी की जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या है इस मार्कशीट की खास बातें। इस मार्कशीट को ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसे आप अपने रिजल्ट के साथ ही ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, इस मार्कशीट पर होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद की मुख्य सचिव श्रीमती नीना श्रीवास्तव के हस्ताक्षर। यूपी बोर्ड के इतिहास में मार्कशीट पर पहली बार माता और पिता दोनों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में छपेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा मार्कशीट पर डिजिटल बार कोड होगा, जिसकी सहायता से बच्चे अपने मार्कशीट का सत्यापन तथा अपने नंबर का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होंगे। इसी आशा के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में।